वेलकम टू डीजी फॉर टेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन। आज का मेरा टेक न्यूज आप पूरा देखिए। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहला टेक न्यूज है, इंडिया पे एयरटेल, वोडा, आइडिया और BSNL, ये चारों कंपनी जो है इन्होंने अपने जो लो बजट के यूजर्स हैं, इन द सेंस जो फीचर फोन वाले यूजर हैं जिसमें एक्टिव पैक रिचार्ज करना पड़ता था, उसे 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया है इनकमिंग आउटगोइंग की फैसिलिटीज को। हाँ, आपको कॉल करने के लिए मेन बैलेंस आपको खुद ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट जो वैलिडिटी वाला फंडा था उसे इंक्रीज कर दिया गया है। Realme के X3 फोन को स्पॉट किया गया है टेना पे, 4100 mAh की बैटरी, 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ। ये फोन 5G कैपेबिलिटी और इसमें मीडिया टेक का प्रोसेसर हो सकता है जो कि है डायमेंसिटी 800 वाला प्रोसेसर। अगर डायमेंसिटी 800 वाला आता है तो ये नियर अबाउट 15-16 हजार के प्राइस बजट में आ जाना चाहिए। COVID-19 को देखते हुए Amazon ने कहा है कि वो थर्मल कैमरा सेटअप करेंगे अपने वेयर हाउस पे, ताकि वो स्कैन कर सके कि वहां पर Amazon के जो एम्प्लॉयज हैं उनका फीवर फास्ट, मतलब उनके टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को स्कैन करने के लिए यूज करेगा। COVID-19 का लॉकडाउन जो है फ्लिपकार्ट ने फाइनली बता दिया है कि 20 अप्रैल से उनका जो मोबाइल ऑनलाइन डिलीवरी वाला जो सेगमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन ये भी Tier 1 और Tier 2 के लिए ही अभी फिलहाल स्टार्ट होगा, Tier 3 के लिए और Tier 4 जो सिटीज हैं उसके लिए अभी थोड़ा सा समय और लगेगा। और जो रेड जोन है इंडिया पे, हॉटस्पॉट लोकेशन है, वहां पर ये डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इंडिया पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और ग्रे जोन में आते हैं, वहां आप ऑनलाइन डिलीवरी का फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। फ्लिपकार्ट, Amazon, बिग बास्केट, ग्रूफर, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जोमेटो, स्विगी, सबके तरफ से। ओप्पो का A92s आज लॉन्च हो चुका है चाइना पे। अभी फिलहाल इसका इंडिया लॉन्च डेट सामने नहीं आया है और ओप्पो A92s मेरे ख्याल से ओप्पो का F15s के रीनेम होके लॉन्च हो सकता है। इस फोन की खासियत ये है कि ये फोन 5G है, इसमें मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800 वाला प्रोसेसर दिया गया है। अगर आप चाइनीज प्राइस को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 6GB वाला जो मॉडल है वो 22,000 रुपए का बनता है इंडियन मार्केट पे, और जो 8GB वाला है वो 25,000 रुपए का बनता है इंडियन मार्केट के हिसाब से। बट इससे थोड़ा सा सस्ता ही लॉन्च करेगा ओप्पो, क्योंकि अगर 22,000-25,000 में आपको मीडिया टेक का 800 वाला प्रोसेसर देगा तो कोई कस्टमर इसे परचेस नहीं करेगा। अगर हाँ इसमें स्नैपड्रैगन 765 होता, 765G वाला 5G प्रोसेसर होता, या मीडिया टेक डायमेंसिटी 1000 सीरीज का होता, मीडिया टेक का जो 800 वाला 5G वाला प्रोसेसर है ये एक बेसिक प्रोसेसर है, आप इसे कन्वर्ट मान सकते हैं ये 12,000-15,000 वाले प्राइस बजट वाले जो मार्केट में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर चल रहे हैं उनके हार्डवेयर कॉम्बिनेशन के, हार्डवेयर परफॉर्मेंस के आसपास आपको आउटपुट देगा। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग, डुअल पंच होल डिजाइन, क्वाड रियर कैमरा सेटअप, इस टाइप के बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। वैसे तो काफी अच्छी फोन है, बट देखना ये होगा कि सिर्फ प्राइस क्या रहती है। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि वो यूट्यूब में अपने नेटफ्लिक्स के कुछ ओरिजिनल कंटेंट्स है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि रिलीज करके देगा यूट्यूब पे, ताकि आप फ्री देख सकें। और नेटफ्लिक्स ने ये कदम इसलिए उठाया है ताकि वो एप्पल टीवी प्लस और डिज्नी प्लस को काउंटर अटैक कर सकें। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 का भी कुछ डिटेल सामने आया है। इसमें 4000 mAh की बैटरी हो सकती है और ये भी सितंबर महीने पे लॉन्च हो जाएगा। इसके लॉन्चिंग प्रोडक्शन पे कोई भी डिले नहीं पाया गया है। जो अमेरिका की सेलिकॉम कंपनी है टी मोबाइल, आप जिसे जानते हैं AT&T, वेरिजोन, टी मोबाइल और भी बहुत सारे वहां पर भी है, तो टी मोबाइल का कंटिन्यूस 4G अपग्रेड और 5G नेटवर्क का स्प्रेड अच्छी तरीके से चल रहा है। COVID-19 के कारण उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका पे कोई भी तरीके का लॉकडाउन नहीं किया गया है एज कंपेयर इंडिया, तो ये तो जाहिर सी बात है वहां तो सर्विस नॉर्मल रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसी तरीके से मेरे चैनल को कंटिन्यू रखिए।